कभी आपने आज तक ये सुना हो कि मस्जिद में घुसने पर किसी पसमंदा मुसलमान की पिटाई? नहीं सुना होगा। कभी आपने सुना हो कि घोड़ी पर चढ़ने पर पसमंदा मुसलमान की पिटाई? नहीं सुना होगा। कभी आपने सुना होगा दाढ़ी रखने पर, टोपी लगाने पर पसमंदा मुसलमानों की, सवर्ण मुसलमानों पर पिटाई की? नहीं सुना होगा। दलित जो है वो जानता है, वो राजनीतिक भी है, वो पढ़ा लिखा भी है, वो समझदार भी है, और वो संविधान पर, एक नज़र संविधान पर रहती है उसकी और एक नज़र भारत दिल्ली की गद्दी पर रहती है। देखिए, ये इस देश की सबसे बड़ी इसको क्या कहेंगे, मुझे तो हंसी आती है। अगर EWS पे कोई फैसला आता है सवर्ण सुदामा कोटे पर, तो उसका फैसला कौन लोग देते हैं? 5 सवर्ण जज, जिसमें 4 ब्राह्मण हैं और 1 बनी है। और अगर अब ये केजरीवाला किस्म आयोग बनता है, तो इसमें कौन है, किसके लिए बना है? मुसलमानों के लिए। क्या उसमें मुसलमान है? नहीं है। मतलब सरकार वो गेम कर रही है, सरकार मतलब रेवड़ी दिखा रही है और रेवड़ी जेब में रख रही है। जिन लोगों के लिए सुविधाएं लानी हैं, जिन लोगों के लिए सुविधाएं बनानी है, या जिन लोगों के लिए सुविधाएं देने का विचार है, उन लोगों को जो लोग सुविधाएं देंगे वो लोग सिस्टम में है ही नहीं। अब आप इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए कि उसी के हाथ में, मतलब जैसे बकरे के हाथ में जब आप बकरे का हलाल करते हैं और कसाई उसको एक तरफ से क्या नाम है हरी घास भी दिखा रहा है और दूसरे हाथ में उसके में गंडासा भी है जो पीछे छुपा रखा है, तो ये ठीक वैसा ही है। मुसलमानों को, मैं तो मुसलमानों पर, मैं कई मेरे मुस्लिम साथियों से मेरी बातचीत हुई, वो बड़े खुश हैं जब हम SC ST के कोटे में आ जाएंगे। अरे भाई, थोड़ा सा विचार कर लो, थोड़ा सा समझ लो सिस्टम को, थोड़ी सी चीज़ों को समझ लो, तब आपको पता चलेगा कि सही मायने में है क्या। अभी देखो, सबसे पहली बात यह है ओमदेव जी कि अगर इस देश में लोगों को सही मायने में सरकार सुविधाएं देना चाहती है, तो पहले सरकार को ये मालूम होना चाहिए, कि भाई किस किस जाति की कितनी जनसंख्या देश के अंदर है। अगर ये पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी जनसंख्या देश के अंदर है, तभी तो आप कुछ दे पाओगे, आप कुछ बजट पास कर पाओगे। लेकिन सरकार की बेईमानी देखिए कि सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करना नहीं चाह रही है, बिल्कुल प्रकाशित करना नहीं चाह रही है। और जातिगत जनगणना के जब तक आंकड़े जारी नहीं, प्रकाशित नहीं होंगे, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि कौन किस जाति का, किस जाति की कितनी संख्या है और कितने भूभाग पर किसका कब्जा है, कितने सिस्टम पर किसका कब्जा है, कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, किसके पास 2-व्हीलर है, किसके पास 4-व्हीलर है। तो ये जब तक पता नहीं चलेगा, और जब तक ये पता नहीं चलेगा, तब तो सरकार ये निर्धारित कैसे कर लेगी कि मुसलमान पसमंदा मुसलमान जो वो कितना गरीब है, या SC ST OBC की संख्या कितनी हुई है, या महिलाएं कितनी जो है वो शिक्षित हुई हैं। तो तब तक आंकड़े जारी नहीं होंगे, तब तक आप ये कैसे कह सकते हो कि हम किस कम्युनिटी को, किस जाति को, किस धर्म के मानने वाले लोगों को, किस पंथ के मानने वाले लोगों को कुछ सुविधाएं मुहैया कराना चाहते हैं? तो सरकार की ये बेईमानी है। सरकार को चाहिए कि वो सबसे पहले जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं उनको प्रकाशित करे, 2021 की जनगणना जो होने वाली थी उसको करे, और उसके बाद में जाति ईमानदारी के साथ में, और उसमें एक कॉलम और जोड़े सरकार, क्या सरकारी बैंकों से जिन लोगों ने लोन लिया है और नहीं लौटाया है, वो किस जाति के हैं और कितने परसेंट लोग हैं, ये भी पता चलना चाहिए कि सवर्ण समाज के लोग कितना सरकारी बैंकों को चूना लगा करके देश से भागे, उसके बाद में आंकड़े जारी करें और फिर सरकार ईमानदारी से आयोगों का गठन करे और लोगों को सुविधाएं दे। ये शगुफाई और कुछ नहीं है। अगर सरकार की कुछ नीयत वास्तव में ईमानदारी से देने की होती, तो सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करती, तभी तो पता चलता ना। अब कि हम मुसलमानों को, भाई पहली बात तो ये है कि जो विदेशी धर्म है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो अन्य कोई दूसरा धर्म है, जो भारत की भूमि पर नहीं जन्म, धर्म और पंथ नहीं जन्मा है, उसमें कोई भी आदमी जब पहुंच गया तो बराबरी में चला गया। अब क्रिश्चियन में जाने के बाद में आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा कि भाई उसके साथ में जातिगत भेदभाव हुआ, इस्लाम में जाने के बाद में आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा उसके साथ में जातिगत भेदभाव हुआ। आप मुझे पूरे इस्लाम में बता दीजिए, जो अगर कभी कोई शेड्यूल कास्ट था, अगर वो मुसलमान मर गया तो उसके साथ में जातिगत भेदभाव हुआ? नहीं हुआ ना। तो जब उसके साथ में जातिगत भेदभाव हुआ ही नहीं, तो आरक्षण किस लिए? आरक्षण इस देश के अंदर इसलिए है कि खास समाज को जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित किया गया, उसकी बहन बेटियों को परेशान किया गया, उसके क्या नाम शिक्षा से उसको वंचित रखा गया, तो इसलिए उसको जातिगत आरक्षण दिया गया था संविधान में। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि जो साहब इस्लाम में है, इस्लाम में जो लोग दलित समाज के चले गए थे या जो लोग क्रिश्चियन बन गए थे, उनको भी तो ये सुविधा ही नहीं है। अगर आप सिख बन जाते हैं तो सिख धर्म में अपनाने के बावजूद भी आपका जातिगत आरक्षण जारी रहता है। क्यों? क्योंकि सिख धर्म वो है जो भारत की भूमि पर पैदा हुआ, और वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने सिख धर्म अपना लिया तो उनके साथ में जातिगत शोषण खत्म नहीं हुआ। पंजाब में जाकर के आज भी आप देखिए तो वहां जो क्या नाम है अपना रविदासी सिख है, जो शेड्यूल कास्ट के सिख है, उनका गुरुद्वारे अलग है, उनका चंदा अलग इकट्ठा होता है।
तो ये आप समझिए कि उनका शोषण वहाँ भी हो रहा है, वो वहाँ भी मजबी हैं, वो वहाँ भी क्या नाम है दूसरे सिख रविदास सिख और रेगड़ सिख, तो उनको आरक्षण मिल रहा है। अब आप महाराष्ट्र में जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में जो नव दीक्षित बुद्ध है, बौद्ध है, जो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर के बौद्ध धर्म अपना लिया, तो उनको सारी सुविधाएँ एससी एसटी वाली मिल रही हैं। अगर कोई नानकपंथी है, कबीरपंथी है, आर्य समाजी है, रैदास पंथी है, जो पंथ और जो धर्म जो धम्म भारत की भूमि पर जन्मा है उसको आरक्षण की सुविधा है, लेकिन जो धम्म विदेशी, जो धर्म विदेशी हैं, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो कम्युनिस्ट क्या नाम है क्रिश्चियन है, उसमें जो लोग चले गए, क्योंकि वहाँ जातिगत भेदभाव नहीं है, जब शेड्यूल कास्ट के लोगों ने या ओबीसी के लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया तो वहाँ पर उनके लिए स्कूल खोले गए, बराबरी दी गई, जब मुस्लिम धर्म अपनाया तो बराबर मस्जिद में बिठा करके मौलवी ने सबको नमाज पढ़ाई। तो आप इस बात को समझिए, जातिगत भेदभाव वहाँ नहीं है, और जातिगत भेदभाव जब वहाँ है ही नहीं तो फिर आरक्षण कैसा। तो सरकार मूर्ख बनाने का काम कर रही है, और देश के अंदर मूर्खों की संख्या मूर्खों से बड़ी चहल पहल है। मोदी जी को पता है, वो रात को 8 बजे आते हैं, कहते हैं थाली बजाओ तो लोग थाली बजाते, वो कहते हैं दीपक बंद करो तो लोग अंधेरा कर लेते, वो कहते हैं आज से नोटबंदी बंद तो नोटबंदी बंद हो जाए। तो मोदी जी ने चेक कर रखा है कई बार कि मैं जो कहूंगा लोग मान लेंगे, लोग कोई मेरे ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेगा। तो सवाल ओमदेव जी वही है कि लोगों को पता है, प्रधानमंत्री जी को पता है कि एक ही लॉलीपॉप दे दो ये खुश हो जाएंगे। ये ठीक वैसा ही आपको याद होगा कि शायद 8-10 वर्ष पहले 2012 के आसपास जब बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, जब चुनाव नजदीक आया तो उस समय सपा की तरफ से बात कही गई थी कि अगर हमारी सरकार आई तो मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे, तो मुसलमान बड़े खुश हैं, अब तो 4% मिल गया साहब, अब तो हमें नौकरी में आरक्षण मिल गया। लेकिन हुआ क्या, अखिलेश यादव की सरकार आई तो किसी को 4% आरक्षण मिला नहीं, मिला ना। मोदी जी ने कहा कि भाई हमारी सरकार है तो हम सबको 15-15 लाख देंगे, तो क्या किसी को 15 लाख मिले, नहीं मिले ना। तो ये ठीक वही एक और जुमला इसको मान लिया जाए मोदी सरकार का, और उनको पता है कि जिन लोगों के हम बारे में बात कर रहे हैं उनकी साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, वो धर्मांतरण की तो बात ही नहीं कर रहे ना, वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को चिन्हित करेंगे जो एससी हैं, जो वो काम कर रहे हैं उसके आधार पर हम उनको एससी मान लेंगे। यही है ना पैमाना, क्या अगर कोई मुसलमान आज की तारीख में चमड़े उतारने का काम करता तो हम उसको चमार मान लेंगे, लेकिन वो क्या वास्तव में इस्लाम धर्म छोड़ करके दलितों की चमार जाति में शामिल किया जाएगा उसको, नहीं ना। अब चमार चमड़े का काम तो इस देश के अंदर ब्राह्मण भी कर रहा है, ये टाटा बिल्ला और ये जितने जूते बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं, रेड चीफ और फलाना और ढिमाका, ये कौन है, इस चमार की तो है नहीं, किसी भंगी की तो है नहीं, किसी पासी खटीक की तो है नहीं, ये कौन है, ये बड़े डालमिया और टाटा हैं, उनकी है, तो क्या इनको चमार मान लिया जाए, तो क्या सरकार इनको आरक्षण देगी। लेकिन आपको आपकी मस्जिद अलग नहीं है, आपके साथ में जातिगत आधार पर शोषण नहीं हो रहा, आपका कहीं ये नहीं देखा गया कि सवर्ण मुसलमान ने किसी नाली साफ करने वाले मुसलमान की बारात रोक दी हो, कहीं ऐसा पूरे देश में नहीं हुआ गया कि मस्जिद से भगा दिया गया हो, कहीं ऐसा नहीं होगा नमाज पढ़ते में किसी के साथ बदतमीजी हुई हो, ये सिस्टम है ही नहीं, शोषण है ही नहीं जातिगत आधार पर इस्लाम में। तो आप ये लोग जो खुश हो रहे हैं ना, ये इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार तो ये यही दावा कर रही है कि भैया इस्लामिक जो इस्लाम कबूलते हैं और जो क्रिश्चियन है वो अनुसूचित जाति में नहीं आते, यानी कि वो सही कह रही है। हाँ, बिल्कुल सही, और एक तरफ गठन करती है। नहीं, नहीं, ये मैं वही तो कह रहा हूँ, लोगों को समझना चाहिए ना। हाँ। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा आपको कि सरकार कर क्या रही है, सरकार कसाई की भूमिका में है, एक हाथ में हरी घास है और पीछे उसने गणासा छुपा रखा है। हाँ। बकरे को बुला रही है और हलाल करेगी। हाँ। तो ये क्या है कि सरकार जो कह रही है वो है नहीं, और जो है वो सरकार कह नहीं रही है, तो ये सच्चाई है। आप इस बात को स्वीकार करें, देश के लोग स्वीकार करें, और मुसलमान खासतौर से इस बात को स्वीकार करें कि आपको आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, आप गलत बात का समर्थन कर रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि हमें जातिगत आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और जो आयोग का गठन हुआ वो सही हुआ है, तो इसका मतलब आप इस्लाम का भी अपमान कर रहे हैं, जिस इस्लाम ने आपको इतना मान सम्मान दिया, बराबर की मस्जिद दी, बराबर के मदरसे दिए, नमाज में पहली पंक्ति में बैठने का आपको अवसर दिया, आपको काम करने का अवसर दिया, आपके यहाँ कोई जाति का शोषण नहीं है, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम जो है हमारा शोषण हुआ और हमें एससी के बराबर में आरक्षण दिया जाए, तो आप इस्लाम का भी अपमान कर रहे हो कहीं ना कहीं। आपके जो सवर्ण मुसलमान है वो कल को आपसे छुआछात करेंगे और फिर कहेंगे अच्छा बढ़े गए थे हिंदू बनने के लिए, अच्छा बढ़े गए थे क्या नाम है शेड्यूल कास्ट बनने के लिए, तो ये मुसलमानों के लिए भी खतरा है। मैं वही कह रहा हूं ओमदेव, या फिर रिपीट कर रहा हूं उसी चीज को, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जो है, सरकार जो पसमंदा मुसलमान खुश हो रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि संविधान क्या कह रहा है। संविधान ये नहीं कह रहा कौन काम क्या कर रहा है भाई, संविधान इस बात पर नहीं कह रहा है, सरकार संविधान ये कह रहा है कि काम के आधार पर, जाति के आधार पर जिन लोगों का शोषण हुआ है सदियों तक, हजारों वर्ष तक, उनको शेड्यूल कास्ट की जाति में, अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध किया गया, ये संविधान कह रहा है। लेकिन और जो पसमंदा मुसलमान है वो ये कह रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं काम हमारा भी वही है, उनका भी वही है, तो संविधानिक अधिकार जो शेड्यूल कास्ट के लिए है वो हमें भी मिलने चाहिए। तो भाई शेड्यूल कास्ट की लड़कियों का 5000 साल से बलात्कार हुआ है,
शेड्यूल कास्ट को 5000 साल तक नहीं चलने दिया रोड पर, उनके गले में हांडी और पीछे झाड़ू रहा है, उनके क्या नाम है पढ़ने नहीं दिया, उनकी जवान काट दी गई, उनके कानों में पिघला करके शीशा डाल दिए गए, तो तुम्हारे साथ कब हुआ ये? नहीं हुआ ना। का मैंने वही बात की ना, काम तो ब्राह्मण भी कर रहा है चमड़ा उतारने का, काम तो मुसलमान भी सबसे ज्यादा विदेशों में क्या नाम है चमड़ा बेचने का कर रहा है। काम कोई आधार नहीं है भैया, जाति के आधार। अगर कोई चमार कम्युनिटी का आदमी डीएम बन जाए, आईएएस बन जाए, तो क्या उसका जाति का शोषण नहीं होता? उसकी सीआर खराब नहीं होती? उसका डिमोशन नहीं होता? उसका प्रमोशन समय से होता है? नहीं होता। आज भी हमारे कितने सीनियर आईएएस पीसीएस है, कितने आईएएस को सचिव बना दिया, नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि जातिगत आधार पर शोषण है। हमारे कितने लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया, क्यों? क्योंकि जातिगत आधार पर शोषण है। तो ये बात समझनी पड़ेगी, जाति है कि कभी जाति नहीं, काम का कोई महत्व नहीं है। हमारा आदमी अगर डीएम भी बन जाए और उसका चपरासी अगर ब्राह्मण है और वो उसको पानी पिलाते वक्त 4 बार गाली बकता है कि चमार का डीएम बन गया, मुझे मजबूरी में पानी पिलाना पड़ रहा है, तो बताइए काम कहाँ बचा? काम तो उसका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे, आज भी उनकी रात के अंधेरे में मूर्ति तोड़ दी जाती है। क्यों तोड़ दी जाती है? क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट थे। तो जातिगत आधार कहा रह गया भाई? जातिगत आधार है, काम का आधार का? काम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ब्राह्मणों से बड़ा था। सिया सुन्नी शेख पठान जो भी है ये उनका आपसी मामला है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा, कभी भी आपकी उम्र भी जितनी हो गई, मेरी भी उम्र 40+ हो गई, आप मुझे एक बात बता दीजिए, कभी आपने आज तक ये सुना हो कि मस्जिद में घुसने पर किसी पसमंदा मुसलमान की पिटाई? नहीं सुना होगा। कभी आपने सुना हो कि घोड़ी पर चढ़ने पर पसमंदा मुसलमान की पिटाई? नहीं सुना होगा। कभी आपने सुना होगा कि दाढ़ी रखने पर, टोपी लगाने पर पसमंदा मुसलमानों की, सवर्ण मुसलमानों पर पिटाई की? नहीं सुना होगा। वो सुनता ही नहीं। क्यों? कारण है कि वहां वो भेदभाव है ही नहीं यार। और मैं वही फिर बात रिपीट कर रहा हूं कि जो पसमंदा मुसलमान खुश हो रहे हैं कि हम जो है वो अब हमारी गिनती जो है वो दलितों में हो जाएगी, वो इस्लाम का भी अपमान कर रहे हैं, जिस इस्लाम ने आपको मान सम्मान दिया, बराबरी की मस्जिदें दी, बराबरी के मदरसे दिए। आज अगर आप इस बात का समर्थन कर रहे हो तो आप मोदी सरकार के तो झांसे में आ ही रहे हो, साथ ही इस्लाम का भी आप अपमान। पैसे के दम पर आरक्षण है ही नहीं तो मिल कैसे जाएगा? अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी, चमार जाति का आदमी ब्राह्मण का पैसा करने लगे तो क्या उसको ब्राह्मण शंकराचार्य बना दिया जाएगा? नहीं। अगर कोई चमार भंगी खटी पासी धाना जाट गुजर यादव कितना भी संस्कृत का विद्वान बन जाए, अगर वो कहे जी मुझे शंकराचार्य बना दो, नहीं। तो पैसे के आधार पर नहीं है भैया कुछ भी। आज भी अगर पता चल जाएगा जो पुजारी बना बैठा है ये शेड्यूल कास्ट है तो मार जूते उसकी शकल लाल कर देंगे लोग। कहां पैसा बचा, किसकी बात करो? आप कह रहे पैसे के आधार पर नहीं है, मगर बरसों से तो पैसे के आधार पर ही जो है अत्याचार होता है। पैसे के आधार पर कहां हो रहा है? जाति के आधार पर हो रहा है? पैसे के आधार पर नहीं। कहा हो रहा है पैसे? अगर पैसे के आधार पर, नहीं नहीं सुनिए ना, अगर पैसे के आधार पर होता तो इस देश के अंदर मुसलमान कसाई जो है वो चमड़े का काम करता है, उसका तो शोषण नहीं होता। किसी हिम्मत किसी सवर्ण हिंदू की हिम्मत है तो करें। नहीं और भी मैं बता रहा ना, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ ना। तो चमड़े का काम तो टाटा बिल्ला भी कर रहे हैं, वो भी जूते बना रहे हैं। कपड़े धोने का काम तो बड़े बड़े लॉन्ड्री कर रही है, तो क्या उनका क्या नाम है कुछ शोषण हो रहा? नहीं ना। लेकिन मैंने वही बात कही कि अगर शेड्यूल कास्ट का आदमी जिसका जाति का आधार पर हजारों साल से शोषण हुआ है, अगर वो जज भी बन जाएगा, डीएम भी बन जाएगा, तो सामने वाले मनुवादी व्यक्ति की सोच उसके प्रति नहीं बदलती है। ये सच्चाई है, ये गुमराह करने का काम हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश, भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनती है तो अखबार में ये लिखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने बड़े विद्वान थे, उनको आज भी दलित नेता कहा जाता है, काशीराम साहब को दलित नेता कहा जाता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के बाद में नीचे बिठा करके पूजा कराई जाती है। क्या आपने सुना कि मुझे जीतन राम मांझी को मंदिर में घुसने दिया था? आप मुझे बताइए इस देश के अंदर कितने मुस्लिम राष्ट्रपति हुए? क्या एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने के बाद में किसी ने मस्जिद में जाने से रोका? नहीं, उनका सम्मान हुआ। मनमोहन सिंह साहब थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद में गुरुद्वारे में गए तो उनका सम्मान हुआ। लेकिन अगर दलित समाज का आदमी राष्ट्रपति बनने के बाद में मंदिर में जाता तो सीढ़ियों में बैठ करके पूजा करनी चाहती? इसे कहते हैं जातिगत शोषण। आरक्षण उन लोगों के लिए था जिनका जातिगत आधार पर शोषण हुआ है, और जिन लोगों ने जाति को छोड़ करके धर्म घुस गए, इस्लाम में चले गए, कम्युनिस्ट क्या नाम है ईसाई, तो जिन्होंने अपना ली, तो उनके यहाँ जाति का शोषण खत्म हो गया ना। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया उसको कि आप मुझे बता दीजिए आजादी के 70 साल के बाद में और आजादी से पहले भी कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद में किसी का शोषण हुआ तो मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, क्या मुसलमान का शोषण हुआ तो मुझे एक उदाहरण दे दीजिए? क्योंकि वहाँ शोषण है ही नहीं, वहाँ सब अलग मस्जिद है ही नहीं। वहाँ आपने देखा कि पसमंदा मुसलमानों की अलग मस्जिद है? नहीं है ना। लेकिन आपने देखा जो जिन लोगों ने कम्युनिस्ट धर्म अपना लिया, वो क्या नाम है ईसाइयत अपना ली, तो उनके अलग चर्च है? नहीं।
नहीं है ना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिन लोगों ने सिख पंथ को अपना लिया उसके बाद भी उनके गुरुद्वारे अलग हैं, कि जिन सिस्टम के तहत उन पर जबरदस्ती वो काम थोपा गया, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे वो काम जबरदस्ती करवाया गया, उनको रोटियां नहीं दी गई, उनको पानी नहीं दिया गया, उनसे कहा रोटी खानी तो आपको हमारी मरे हुए पशु उठाने पड़ेंगे, उनसे कहा कि अगर आपको हमारे कुएं से पानी लेना, अगर दूर से पानी पीना है तो आपको हमारा नालियां साफ करनी पड़ेंगी, तो उनको मजबूरी में ये काम करो, हजारों हजारों साल करवाया गया उनसे ये काम। तो उनको जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में कलम आई तो उनसे बाबा साहब ने कहा इन लोगों के साथ बड़ा अत्याचार करा तुम लोगों, इनको बराबरी में लाने के लिए ये थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट है। और जिन लोगों ने स्वेच्छा से काम चुना, आप टाटा कहने लगे, रेड चीफ कहने लगे कि मैं भी जूते बनाता हूँ, तो भाई तू तो व्यापारी है, तेरा हजारों करोड़ का टर्नओवर है, तेरा कौन सा है, तेरा कौन सा जातिगत आधार पर शोषण हुआ है? तो ये बात को हमको समझना चाहिए। दलित जो है वो जानता है, वो राजनीतिक भी है, वो पढ़ा लिखा भी है, वो समझदार भी है, और वो संविधान पर एक नजर संविधान पर रहती है उसकी, और एक नजर भारत दिल्ली की गद्दी पर रहती है, तो उसको पता है उसके अधिकार कहाँ सुरक्षित है। वो लड़ता भी है, जब लड़ता है तो दो तारीख को लठ लेकर के निकलता, पूरा भारत बंद कर देता, एक दिन में हिसाब किताब बराबर कर लेता है। मुसलमानों के साथ में दिक्कत क्या है कि मुसलमान जो खुश हो रहे हैं उनके पास में क्या है कि चलो मैंने एक बार 1% मान भी ली कि भाई आपको आरक्षण मिल भी गया तो नौकरी में कौन जाएगा? कितने % मुसलमान पढ़े लिखे बताओ मुझे, कितने % मुसलमानों की साक्षरता दर क्या है? राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप उठा करके देख लीजिए, इस देश के अंदर मुसलमानों की साक्षरता दर दलितों से कई गुना नीचे है। अगर आपके लिए 2 सीट रिजर्व कर दी भी दी जाए, गलती से अगर हो भी गई, चलो मैंने मान लिया, तो उन पर बैठेगा कौन? सबसे पहले मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि वो अपने क्या नाम है, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दें, बच्चों को बढ़िया पढ़ाएं, बच्चों को बढ़िया लिखाएं, बच्चों को आगे पहुंचाएं, उनका कहीं कोई शोषण नहीं हो रहा, उनका समाज बड़ा मजबूत है। मस्जिद में एक अपील होती है, करोड़ों रुपये इकट्ठा हो जाता है।